अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेक्वायरी फिल्टर मेथड विद एग्जांपल्स। जेक्वायरी जो है वो बेसिकली एक पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ डॉम ट्रांवर्सल मेथड, जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को इन डॉक्यूमेंट को रैंडमली और सिक्वेंटली ऑर्डर के साथ। मोस्ट ऑफ द डॉम ट्रांवर्सल मेथड जो है वो डू नॉट मॉडिफाई कर रहा होता एलिमेंट को, जिससे हम फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं जो हमें गिवन कंडीशंस जो है वो दी होती हैं। तो फिल्टर मेथड जो है वो हम यूज करते हैं जब हम फिल्टर आउट कर रहे होते हैं ऑल दी एलिमेंट्स को दैट डू नॉट मैच द सिलेक्टेड क्राइटेरिया एंड दोस मैच विल बी रिटर्न्ड। सिंटैक्स यहाँ पर डॉलर साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जेक्वेरी को, सिलेक्टेड डॉट फिल्टर क्राइटेरिया फंक्शन इंडेक्स। क्राइटेरिया जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है सिलेक्टर एक्सप्रेशन को, और जेक्वेरी ऑब्जेक्ट और मोर जो एलिमेंट्स होते हैं जो रिटर्न कर रहे होते हैं ग्रुप से ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। फंक्शन इंडेक्स ये जो है वो स्पेसिफाई कर रहा होता है फंक्शन को जब हम रन कर रहे होते हैं ईच एलिमेंट को इन सेट में, और हर फंक्शन जो है वो रिटर्न ट्रू होता है एलिमेंट कैप्ट होता है अदरवाइज जो है वो रिमूव हो जाता है। तो इंडेक्स है द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नॉट टू स्पेसिफाई मोर देन वन क्राइटेरिया यूज अ कॉमा। जेक्वायरी कोड टू शो द वर्किंग ऑफ द फिल्टर मेथड। तो यहाँ पे एग्जांपल वन है एचटीएमएल हेडिंग जो है वो यहाँ पे ओपनिंग टैग यूज किया गया जिसके अंदर टाइटल पुट किया गया गीक्स फॉर गीक आर्टिकल, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्क्रिप्ट का सोर्स जो है वो अपने यूआरएल की फॉर्म में पुट करना है। स्क्रिप्ट की टाइप पुट की गई है टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जेक्वेरी एक्शन परफॉर्म किया गया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन प्रॉपर्टी यूज की गई है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे जेक्वेरी लिस्ट या फिल्टर जो है वो पुट किया गया, मेथड यूज किया गया, स्क्रिप्ट जो है हेडिंग जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आप यूएल लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट वन फर्स्ट है मिडिल है क्लास और लास्ट। इस तरीके से आप जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं गीक्स फॉर गीक की। इसके बाद यूएल बॉडी और एचटीएमएल जो है वो क्लोजिंग टैग से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। आउटपुट जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे गीक्स फॉर गीक, ये जो है वो इस तरीके से आप जो है वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ये टेक्स्ट लाइन सेंटर जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ग्रीन से पुट किया गया, बैकग्राउंड कलर थीम जो है वो येलो पुट किया गया, ये जो है वो CSS प्रॉपर्टी को यूज किया गया, कलर अप्लाई किया गया। सेकंड कोड, दिस कोड विल सिलेक्ट द एलिमेंट्स मैचिंग विद द क्राइटेरिया चेक्ड बाय अ फंक्शन। हियर द फंक्शन चेक्स फॉर टू एलिमेंट्स इन द लिस्ट एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। HTML हेडिंग जो है वो ओपनिंग टैग यूज किया गया जिसके अंदर आप टाइटल पुट कर रहे हैं गीक्स फॉर गीक आर्टिकल, टाइटल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट किया गया। स्क्रिप्ट का सोर्स जो है वो अपने URL के फॉर्म में पुट करना है। जेक्वायरी एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन प्रॉपर्टी यूज की गई है। इसके बाद जेक्वेरी यूएल फिल्टर फंक्शन प्रॉपर्टी यूज की गई है, रिटर्न लिस्ट दिस लेंथ जो है वो बताई गई है, CSS प्रॉपर्टी को इसमें यूज किया गया, कलर जो है वो रेड पुट किया गया, CSS का फॉन्ट साइज जो है वो 20 पुट किया गया। स्क्रिप्ट हेडिंग जो है वो अपने क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। बॉडी जो है वो ओपनिंग टैग है जिसके अंदर आ लिस्ट विद टू एलिमेंट्स यूएल जो है वो पुट की गई है, लिस्ट वन ऑप्शन वन और ऑप्शन टू जो है वो क्रिएट की गई है। उसके बाद यूएल अ लिस्ट विद वन एलिमेंट, उसके बाद जो है वो लिस्ट ऑप्शन वन अ लिस्ट विद टू एलिमेंट्स। इस तरीके से आप जो है वो लिस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट विद थ्री एलिमेंट्स के साथ जो है वो क्रिएट की गई है। इस तरीके से आप जो है वो काफी सारी लिस्ट आपने क्रिएट करनी है। इसके बाद जो है वो लिस्ट यूएल बॉडी और एचटीएमएल जो है वो क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना है। ऊपर आउटपुट जो है वो देखें अ लिस्ट विद टू एलिमेंट्स ऑप्शन वन ऑप्शन टू जो है वो रेड से पुट किया गया। अ लिस्ट विद वन एलिमेंट यहाँ पे जो है वो देखिए सिंपल जो है वो वैल्यू पुट की गई ऑप्शन वन। अ लिस्ट विद टू एलिमेंट्स यहाँ पे जो है वो CSS प्रॉपर्टी को अप्लाई किया गया कलर के साथ, बैकग्राउंड कलर जो है वो यहाँ पे देखें यहाँ पे टेक्स्ट का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद अच्छी लगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज एवरीवन।